वीडियो में आप लोगों ने विलियमसन सतत इतर संश्लेषण बनाने की विधि देखी, और उस विधि के बाद आप मैंने आपको बताया था कि वो चित्र था वो बनाना है, और एक औद्योगिक विधि का भी आपको एक चित्र बनाना है। उसके बाद जो अगली विधि है सेकंड विधि, और सेकंड विधि है बेटा एथिल एल्कोहल से अर्थात C2H5OH से, और C2H5OH की जो क्रिया है किसके साथ है, उपस्थिति है Al2O3 की, टेम्परेचर मैंने आपको बताया है कितना है 523 केल्विन ताप पर जब क्रिया कराओगे तो यहाँ पर भी एक निर्जलीकरण है, और निर्जलीकरण की क्रिया में आप लोग दो अणु किसके लेने हैं, आप लोगों को एथिल एल्कोहल के लेने, यहाँ से तो OH लेना और यहाँ से H लेना, क्या बाहर निकल गया जल का अणु, तो C2H5O और यहाँ पर ये C2H5O प्लस H2O बाहर, तो नाम हो गया इसका डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर आपका बढ़ेगा। उसके बाद आपके इसी में ही लिखा हुआ है एक टॉपिक है इसके, यदि आपने टेम्परेचर यहाँ पर Al2O3 है और टेम्परेचर कितना हो जाए लगभग 653 केल्विन ताप हो, और आप लोग C2H5OH ले रहे हो वही एथिल एल्कोहल वही निर्जलीकरण है, तो यहाँ पर बेटा विलोपन क्रिया कराना, और विलोपन क्रिया कराओगे तो आपका बनेगा बेटा एल्कीन और प्लस क्या कराओगे बेटा H2O, तो ये आपका एथेनॉल। यहाँ पर नोट करके पॉइंट है कि यदि टेम्परेचर 653 हो जाए तो आप लोग इसमें एल्कीन का निर्माण करोगे और ये होगी बेटा आप लोगों की एथीन। फिर ये तो आपकी दूसरी विधि है, तीसरी विधि आप लोगों की बेटा है एल्किल हैलाइड के साथ, और एल्किल हैलाइड में आप लोग क्रिया कराओगे, एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है वो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवानी है, और शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराओगे तो भी आपका ईथर का निर्माण होगा, तो RX की क्रिया किसके साथ करानी है Ag2O के साथ, लेकिन ये कौन सा होना चाहिए ड्राई होना चाहिए शुष्क होना चाहिए। फिर क्रिया की बात करो जैसे आप लोगों ने C2H5Br ले लिया प्लस आप क्रिया करा रहे हो Ag2O के साथ, तो आप दो अणु लेना है यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड के, दो लोग तो दो इसलिए लेंगे कि यहाँ पर 2AgBr आपको बाहर निकालना है, तो यहाँ से तो दोनों Br लेना और यहाँ से दोनों Ag लेना, ठीक है बेटा, और थोड़ा इसको गर्म करना तो ये C2H5O C2H5 प्लस 2AgBr आप लोग बाहर निकालो। तो मैंने आपकी एक तो ये विधि, यदि यहाँ पर ये नम लें आप तो नम में आप लोगों को बताया था एल्कोहल बनाने की विधि थी, यदि आपने क्या ले लिया यहाँ पे नम ले लिया तो नम में एल्कोहल बनेगा, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाए कि CH2Br प्लस Ag2O और Ag2O जो लिखा है उसके नीचे ये लिखा हुआ मिला नम, तो नम का मतलब इसके अंदर जल उपस्थित है, जल उपस्थित है तो आप लोग यहाँ पर जल ले सकते हो, जल ले लिया तो यहाँ से दो अणु लेना भी है, अभी कितने लोगे दो, तो दो तो Br लेना दो Ag लेना और दोनों OH को इसके पास जोड़ोगे तो एल्कोहल का निर्माण करा देना, तो यहाँ पर कराओगे बेटा दो C2H5OH प्लस 2AgBr। तो ध्यान रखना कि यदि एल्किल ब्रोमाइड ले रहे हो और नम सिल्वर ऑक्साइड है तो एल्कोहल बनाओगे, यदि शुष्क है तो आप लोग बढ़ाओगे डाई एथिल ईथर या ईथर का निर्माण करोगे। तो ये है बेटा आप लोगों की विधि। फिर एक लास्ट विधि है और इस विधि का नाम है विलियमसन्स ईथर संश्लेषण, तो ये इंपॉर्टेंट विधि है जिसके अंदर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बनाओगे आप लोग। तो विधि है नाम है नेक्स्ट विधि विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। इसके अंदर क्या करना है बेटा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे, एल्किल हैलाइड मतलब RX की क्रिया किसके साथ सोडियम या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे, तो ये आपका पोटेशियम एल्कोक्साइड है और ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे तो किसका निर्माण होगा बेटा ईथर का, माइनस KX बाहर निकालो या माइनस NaX बाहर निकालो जो चाहे ना अच्छा लगे वो ले लेना, तो यहाँ पर X तो यहाँ से लिया और Na यहाँ से लिया या K यहाँ से लिया, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम एल्कोक्साइड और ये है आपका एल्किल हैलाइड, इसमें ब्रोमाइड लो कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, ROR प्लस आपका ये बन गया, तो ये है आप लोगों का ईथर और ईथर के अंदर इसका नाम है डाई एल्किल ईथर। अब आप लोग लेना चाहो भाई आर के स्थान पर कोई समूह जोड़े, समूह का मतलब जैसे अपने ले लिया CH3CH2Br प्लस C2H5
ओ एन ए, क्या ले लिया, ये तो आपने ले लिया ब्रोमो, ब्रोमो एथेन, और ब्रोमो एथेन प्लस ये क्या ले लिया सोडियम, ये ले लिया आप लोगों ने सोडियम एथोक्साइड, क्या है सोडियम एथोक्साइड ले रहे हो, तो सोडियम एथोक्साइड ले रहे हो तो एन ए तो यहाँ से लेना बेटा और बी आर यहाँ से लोगे, तो एन ए बी आर बाहर निकला, क्या बन गया आपका डाई एथिल ईथर सी एच थ्री सी एच टू ओ, और यहाँ पर ये सी एच टू और ये सी एच थ्री प्लस एन ए बी आर, ठीक है बेटा। तो यहाँ हो गया डाई एथिल ईथर या फिर एथोक्सी एथेन बनाओगे। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को बताया कि बेटा विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले नोट करके कि यदि आप लोगों को प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले नोट करके अपन पॉइंट डालेंगे, नोट यहाँ पर बोला कि आपको प्राथमिक एवं वह करके लिखो, वह द्वितीयक समूह युक्त ईथर ईथर बनाना है तो हमेशा प्राथमिक एल्किल युक्त हैलाइड लेते हैं और प्राथमिक या द्वितीयक समूह युक्त धातु, मतलब हम कहते हैं धातु लिखते हैं सारी इसमें धातु एल्कोक्साइड लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आपको करना है प्राथमिक व द्वितीयक समूह युक्त ईथर बनाना है तो हमेशा प्राथमिक एल्किल युक्त तो हैलाइड लेना और प्राथमिक या द्वितीयक समूह युक्त आपको क्या करना धातु एल्कोक्साइड का इस्तेमाल करोगे। तो कहने का मतलब जैसे अपन रिएक्शंस कराना चाहें, क्या लेना है प्राथमिक या द्वितीयक समूह युक्त ईथर बनाना है तो अपन को क्या लेना है प्राथमिक, अपने ले लिया C2H5Br क्या हैलाइड प्लस आपने प्राथमिक वाला लिया जैसे C2H5ONa, ठीक है ONa लिया तो अपन अभिक्रिया शुरू होगी बेटा SN2 क्रिया विधि से संपन्न होते, आप तो ये लिख देना माथे पर, जरूरी नहीं है आपको लिखो या मत लिखो, तो मोटी सी बात समझ में आती है कि NaBr को क्या करना आपने बाहर निकाला, ये Na और ये Na और यहाँ पर ये Br, तो C2H5OC2H5 प्लस NaBr, कौन सा लिया प्राथमिक वाला, प्राथमिक वाला। अब आपको द्वितीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बनाना है तो आपको क्या लेना है प्राथमिक या द्वितीयक समूह युक्त ईथर बनाना है तो हमेशा प्राथमिक एल्किल लाइड लेते हैं, हमेशा तो ये तो लेना ही है, तो C2H5Br हो गया। अब C2H5Br लिया तो इस समूह को चेंज करो और इसका मतलब अपन द्वितीयक समूह वाला लेंगे जैसे CH3CHONa और यहां पर ये CH3, बोलो द्वितीयक समूह वाला है कि नहीं है, और द्वितीयक समूह वाला तो कौन सा है 2 डिग्री वाला है, क्या वाला हो गया ये Na लेना ये Br लेना, Br लोगे तो कंडीशन देखो यहाँ पर क्या बोला इस समूह को जोड़ना है, जोड़ना है कहाँ जोड़ना है बेटा, तो आपको बोला CH3 CH फिर O C2H5 और ये CH3 प्लस आपका वही NaBr, ठीक है। तो आपका क्या बना आपका बेटा ये यहाँ देखो यहाँ पर एक दो तीन मतलब 2-ethoxypropane है, क्या नाम हो गया इसका 2-ethoxypropane, ये भी क्या बेटा ईथर है। तो अब ध्यान रखना प्राथमिक व द्वितीयक समूह युक्त ईथर बनाना है तो हमेशा प्राथमिक तो एल्किल लाइड लेना, इसमें आप लोग चेंज कर सकते हो लेकिन तृतीयक मत लेना है, द्वितीयक ही लेना है आपको, समझ भाई। तो एक तो पहला इंपॉर्टमेंट नोट करके ये वाला है, इस प्रकार से आप लोग इसको बताओगे। आप रिएक्शंस की बात करो साहब, ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए तो ये अभिक्रिया संपन्न कौन से वाली होने वाली है SN2 क्रिया विधि से संपन्न होगी और आप लोग इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बना सकते हो। अब इसके अंदर दूसरा नोट करके पॉइंट है बेटा, इसको देख लो आप, दूसरा ये है कि यदि आप लोगों को तृतीयक एल्किल समूह युक्त है, क्या बना बेटा नोट करके, दूसरा पॉइंट अपन लेंगे नोट करके, यदि 3 डिग्री अर्थात हम कह सकते हैं
तृतीयक एल्किल एल्किल समूह युक्त ईथर ईथर बनाना हो तो हमेशा हमेशा तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं और हाँ बेटा नोट करें दूसरा पॉइंट, यदि तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर बनाना है तो हमेशा तृतीयक एल्किल समूह युक्त क्या लेना है? एल्कोक्साइड लेना है और अभिक्रिया SN2 होगी तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को तृतीयक समूह युक्त क्या लेना है? एल्कोक्साइड लेना है ONA और प्लस प्राथमिक वाला आपको क्या लेना है? C2H5Br लेना है। ठीक, यहाँ पर बात करो तो आपका क्या बनेगा बेटा? यहाँ से Br और यहाँ से NA लेना। NA लोगे तो आपका तृतीयक समूह वाला बना तो CH3 OC2H5 और प्लस क्या बाहर निकल गया? NaBr बाहर निकल गया। यदि आप लोग इसका उल्टा मामला ले रहे हो तो उल्टा लोगे तो यहाँ पर क्या होगा? विलोपन अभिक्रिया होने वाली है। जो विलोपन अभिक्रिया होगी तो एल्केन का निर्माण तो इम्पोर्टेंट ये वाले हो गया। अब इसके स्थान पर तो वो उसके स्थान पर वो ले रहे हैं। कहने का मतलब ये समझो, आप क्या ले रहे हो? CH3 Br। समझ में आ गई? ये यहाँ पर अपने तृतीयक एल्किल ब्यूटिल वाला जो अपने क्या ले लिया? एल्किल लाइड। और ये क्या ले लिया? C2H5ONA। तो ये है एक प्रबल क्षार और प्रबल क्षार होने के कारण ये विलोपन अभिक्रिया करेगा और विलोपन अभिक्रिया के कारण ये जो सिस्टम है यहाँ पर एल्किन बनेगा। और देखो एल्किन कैसे बनेगा? NA तो बेटा यहाँ से पकड़ना और Br यहाँ से पकड़ना। NaBr बाहर निकाला, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से आप लोग H हटाओगे। कहाँ से हटाओगे? यहाँ से हटा सकते हो। तो H किसको देना? C2H5O को देना। जब O को दोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको बनेगा CH3 द्विबंध CH2, ये CH3, ये तो बन गया आपका एल्किन प्लस NaBr और प्लस C2H5OH। तो इस प्रकार से क्रिया कराना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है बेटा, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है और कन्फ्यूज़न होने के कारण यहाँ पर तो बनाओगे एक एल्किन और यहाँ पर क्या बनाना है? आपको तृतीयक समूह वाला वो बनाना है। प्राथमिक और द्वितीयक में कोई समस्या है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होगा तो इसको ध्यान रखना कि ये वाला बड़ा लेना है तब जाके तृतीयक वाला बनेगा। और जब ये छोटा लोले हुए तो आप लोग को विलोपन अभिक्रिया होने वाली है और विलोपन अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा? एल्किन का निर्माण होगा। तो ये है बेटा विलियमसन्स ईथर संश्लेषण से ईथर बनाने की विधि। अब अगला पॉइंट है बेटा ईथर के भौतिक गुणधर्म। और ईथर के भौतिक गुणधर्म के अंदर अपन जानते हैं बेटा, सबसे पहली बात, ये रंगहीन मीठी गंध मधुर गंध का एक द्रव है। सबसे पहली बात है, कैसा होता है ये? सबसे पहले है रंगहीन मधुर गंध या बोलेंगे मीठी गंध का द्रव है। और इसको सूंघने पर बेटा बेहोशी उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। बेहोश होता है, निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है शल्य चिकित्सा के अंदर, निश्चेतक के रूप में। दूसरी बात, इसका जो कौथनांक होता है वो 306.6 केल्विन होता है। क्या होता है इसका? ये कौथनांक है। तीसरी बात, ये ईथर जो है किस में बेटा? एल्कोहल, उसके बाद हाइड्रोकार्बन से इसकी बात है, सब में क्या होता है बेटा? असली से क्या होता है बेटा? ये विलय होता है और जल के अंदर ये अल्प विलय होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगली बात अपनी बात करना जाए कि मधुर गंध वाला निश्चेतक के रूप में, ये चीज़ें आप करना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं इसके अंदर। अगली बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो है ईथर की संरचना। और ईथर की संरचना के अंदर, यहाँ पर अपन ईथर की संरचना की बात करें तो वो अपन जो संरचना अपनी किताब में दी हुई है वो है C2H5O C2H5 अर्थात डाइएथिल ईथर की। और डाइएथिल ईथर में अपन जानते हैं बेटा ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना बेटा, सबसे पहली बात है कि अपन इंपॉर्टेंट है पॉइंट डालेंगे इसके अंदर, डाइएथिल ईथर की संरचना अर्थात कक्षीय संरचना हेडिंग डालेंगे। तो डाइएथिल ईथर की संरचना, डाइएथिल ईथर क्या करोगे बेटा? डाइएथिल ईथर की संरचना में देखो आपको सूत्र है C2H5O C2H5।
यहाँ देखो बेटा जो मेन बात है सुनने की, ऑक्सीजन परमाणु पर एक दो तीन चार या फिर कह सकते छह इलेक्ट्रॉन युग्म में तीन इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते, छह तो नहीं है, दो दो चार और एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर। दूसरी बात यहाँ पर डाइएथिल ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो sp3 संकीर्ण अवस्था में होता है, यहाँ पर दो असंकृत कक्षक होते हैं जो लोन पेयर के कारण होते हैं और दो इसके अंदर संकृत कक्षक होते हैं जो बॉन्ड पेयर के कारण होते हैं। यहाँ पर एल्किल समूह और ये वाला जो समूह है इनके अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होगा, किसका निर्माण होता है बेटा सिग्मा बंध का। तो कहने का मतलब है कि डाइएथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था sp3 होती है, कैसी होती है sp3, और इसके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं बेटा दो लोन पेयर होते हैं, और अपन जानते हैं इसकी जो ज्यामिति है वो चतुष्कोलकीय होती है, sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति चतुष्कोलकीय होती है जानेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एल्किल समूह का बड़ा आकार होने के कारण प्रति अपन जानते हैं इसका बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट के समीप होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिकर्षण के कारण डाइएथिल ईथर के अंदर बंध कोण का मान 110 डिग्री होता है, और यहाँ पर इसकी जो संकृत अवस्था होती है बेटा कौन सी होती है sp3, ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध। तो ये है बेटा किसकी ज्यामिति, डाइएथिल ईथर की ज्यामिति की बात करोगे तो अपन को हिंदी बिंदी कुछ ना लिखनी, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा डाइएथिल ईथर में बंध कोण का मान कितना होता है, डाइएथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था क्या है, तो बंध कोण का मान 110 डिग्री, संकृत अवस्था sp3। ऐसा नहीं है कि चक्षीय चित्र बनाओ या फिर रामायण लिखो इसके अंदर दो लोन पे रहता है दो बॉन्ड पे रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सबसे पहले डाइएथिल ईथर की क्या बोलोगे इसकी, ये है कक्षीय संरचना, कौन सी कक्षीय संरचना, और ज्यामिति कैसी होती है बेटा इसकी चतुष्कोणफलकीय, और चतुष्कोणफलकीय ज्यामिति के कारण यहाँ पर अपन जानते हैं एल्किल समूह पर बेटा होता है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर कौन सा होता है आंशिक ऋणावेश, जिसके कारण इसके म्यू अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 1.3 से 1.5 डिबोई। क्या होगा बेटा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है, आपकी किताब में दे रखा है 1.3 डिबोई, लेकिन इसका जो मान होता है सही वास्तव में 1.3 से लेकर 1.5 डिबोई होता है। तो आप सब क्या करोगे, डाइएथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है, ठीक है, इसमें बंध कोण का मान 110 डिग्री होता है और इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, इतनी सी बात लेकिन यार ज्यामिति बना दें या नहीं बनाना कि यहाँ बंध के सिग्मा बंध बनता है ये सिग्मा बंध, ये अपना आप दिख गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये एल्किल समूह का और ऑक्सीजन परमाणु को जो है संकृत कक्षा का आपस में अतिव्यापन करेगा, अक्षय अतिव्यापन सिग्मा बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बनेगा और ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते, लेकिन संकरण में लोन पेयर भी भाग लेते हैं, इसको जानते हैं आप, क्योंकि अमोनियम देखते हो अमोनियम एक लोन पेयर होता है संकरण भाग लेता है, अमोनियम नाइट्रोजन परमाणु sp3 H2 की बात करो दो लोन पेयर होते हैं संकरण भाग ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है sp3 जो H2 की बात कर रहे हैं अपन। तो इसकी ज्यामिति आप लोग इस प्रकार से बनाओगे डाइएथिल ईथर की कक्षीय संरचना, डाइएथिल ईथर की कक्षीय संरचना और ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, बंध कोण बताओगे 110 डिग्री। तो ये था बेटा आप लोगों का कक्षीय संरचना का पॉइंट, और उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा ईथर की अर्थात डाइएथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे हेडिंग डालोगे आप लोग डाई एथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो बेटा इसमें तो डिवाइड किया गया है, सबसे पहली बात है कि डाई एथिल ईथर में आप लोग जानते हो आर ओ आर, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे डाई एथिल ईथर में एल्किल समूह की अभिक्रिया है, कौन से समूह की एल्किल समूह की अभिक्रिया, सबसे पहला पॉइंट ये होगा। वैसे CO बंध की अभिक्रिया पढ़ेंगे, पूरे ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर की अभिक्रिया भी पढ़ेंगे और पूरे इसकी भी पढ़ेंगे, तो अपन सबसे पहले एल्किल समूह की अभिक्रिया, और एल्किल समूह में इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हेलोजनीकरण, और हेलोजनीकरण के अंदर आप लोग इसका ब्रोमिनीकरण कराओ या अपन क्लोरीनीकरण कराएं, और उपस्थिति होती है बेटा लाल फास्फोरस की, किसकी लाल फास्फोरस LP की। अब सुनो
दो प्रकार से होती है, एक तो अंधेरे में और एक प्रकाश में, ध्यान रखना। अपन जानते हैं कि सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि Cl2 के साथ कराओ, Br2 के साथ कराओ, किसी के साथ कराना। अपन ने ले लिया CH3, CH2O, CH2 और ये CH, ध्यान रखना आपकी डाईएथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, तो सूत्र इसी को उतारना आपने कि आप उसको उतार लो डाईमेथिल ईथर को। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है। फिर अपन अभिक्रिया कराई Cl2 के साथ, अपन यहाँ लिखा मिलेगा आपको अंधेरा, क्या लिखा मिलेगा, डार्क या अंधेरा लिखा मिले। जब अंधेरा लिखा मिले तो इसके अल्फा कार्बन से कितने एच है, दो, इधर कितने, दो, तो एक एक एच को हटाओगे और उसके स्थान पर Cl या Br को जोड़ोगा, और यहाँ पर अंधेरा लिखा मिलेगा और लाल फास्फोरस भी लिखा मिलेगा, लाल फास्फोरस, और उसको गर्म करना है आपको, ठीक है। अब जब गर्म किया तो देखो एक एच यहाँ से हटाया, एक एच यहाँ से हटाया, कितने एच लिए, हटाया अपन ने दो, और दो Cl को जोड़ा। जब दो Cl को जोड़ा आपको बना CH3, CHCl, O, CHCl और ये CH3, तो ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है, तो इसका सामान्य नाम कह सकते अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये सामान्य नाम भी है इसका। क्या नाम है इसका, अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई क्लोरो डाई एथिल, और उसके बाद क्या लिख दोगे बेटा, ईथर। ध्यान रखना अंधेरा है तो एक एक हाइड्रोजन हटाना। अब प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हो आप, खुला छोड़ दिया प्रकाश, तो प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे तो डाई एथिल ईथर के जितने भी हाइड्रोजन परमाणु है ना, उसका प्रतिस्थापन क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा करा देना। तो मतलब कहने का ये यार मेरा कि एल्किल समूह की अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया हेलोजनीकरण, जिसमें जब आप लोग डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ अंधेरे में कराते हो तो अल्फा कोमा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। यदि यही अभिक्रिया को आपने किस में कराया, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे इसको वापस उतार रहा हूँ CH3 CH2O CH2 और ये CH3, क्या लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने Cl2 और ऊपर लिख दिया प्रकाश, लाइट लिख दी, लाइट लिख रखी है, और लाल फास्फोरस तो है ही हमारा, लाल पी तो। अब प्रकाश है, कितने एच है तुम्हारे पास, 10 हैं, 3 3 और 2 5 5 और 2 7 और 3 10, तो कितने एच है हटाने, 10, और कितने Cl लगाने, 10, तो अपन ने कितने ले लिए यहाँ पे, अपन ने ले लिए 10 Cl2 ले लिया, और माइनस कितना बाहर निकालोगा, 10 HCl बाहर निकाल दोगा, सही है, 10 HCl बाहर निकले और 10 Cl को जोड़ोगे तो आपका बनेगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो कितने H हटाए, 3 हटाए तो CCl3, 2 हटाए तो CCl2O, CCl2, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, पहले तो CCl3, फिर CCl2, फिर O, CCl2 और CCl3, सही है। तो नाम क्या होगा इसका, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो ध्यान रखना अंधेरे में क्रिया हो रही है तो अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर बनाना, और प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी हाइड्रोजन है ना सबको हटा दो और सबके स्थान पर Cl2 लगा दो, यदि ब्रोमीन से करा रहे हो तो ब्रोमीन लगा दो, नहीं तो आप लोग F से मत कराना, I से मत कराना, आप Cl और Br से आप लोग अभिक्रिया करा सकते हो। तो प्रकाश और अंधेरा ध्यान रखना, उपस्थिति अंधेरा है अल्फा अल्फा डैश और प्रकाश है तो ये कराओगे, ठीक है बेटा। अब अगली अभिक्रिया करेंगे बेटा, ये तो थी आपकी एल्किल समूह की एक ही अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे एथिल जो डाई एथिल ईथर है उसके ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया बोल सकते हैं, या अपन कह सकते हैं सामान्य रूप से कि ऑक्सीजन या फिर O3, मतलब ओजोन या फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ओजोन के साथ जब क्रिया कराओगे तो आपको मतलब CH3 CH2O CH2O और ये CH3, तो नाम क्या है इसका, डाई एथिल ईथर। तो अपन कराए बेटा जब डाई एथिल ईथर की क्रिया ओजोन या ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, परोक्साइड ईथर, डाई एथिल ईथर परोक्साइड प्राप्त होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर ये इसके लोन पेयर की अभिक्रिया मैं आपको बताई देता हूँ, डाई एथिल ईथर किसके साथ करा रहे हो, O2 के साथ कराओ, O3 के साथ कराओ, कब, ये भी है अंधेरा, यहाँ भी प्रकाश नहीं है, अंधेरे में करवा रहे हैं अभिक्रिया, समझ भाई, अंधेरे में करवा रहे हो, तो एक ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ना, अपन जानते हैं एक
दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है पूरा का पूरा बंद, बंद है तो अपन कह रहे सी एच थ्री, वहाँ लिख रहे हैं अपन सी एच टू ओ, ये ऑक्सीजन जोड़ दो, ये लोन पे रहने देना, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री, एक तरह से कौन सी एड है, ये परोक्साइड ही है, एक ऑक्सीजन जोड़ना अपन, ओ टू लो ओ थ्री लो, लेकिन एक ऑक्सीजन को आपको क्या करना है लेना है, और लेने के बाद इसका नाम डाई एथिल परोक्साइड है, नाम क्या होगा इसका डाई एथिल, अंधेरा और कम समय और लिखना है, ये और लिखना है, एक लंबे समय तक होता है एक कम समय तक होता है काम है, अंधेरा साथ में कम समय लिख देना थोड़े समय के लिए। अब ये तो कंडीशन होगी, इसका नाम डाई एथिल ईथर परोक्साइड, यूं बोल सकते हैं इसका नाम परोक्साइड, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑक्सीजन को जोड़ना है इसके लोन पेयर के पास, जोड़ दी, और जोड़ने के बाद ये आप लोग बना देना, ऐसे प्लस आवेश आता है, लड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सोनियम आयन बनता है, ये बनाना। अब कंडीशन चेंज, अंधेरे के स्थान पे तो प्रकाश लिख सकते हो, और कम समय के साथ आप लंबे समय तक और लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखा आएगा यदि समीकरण पूछेगा ना, ओ टू ओ थ्री कुछ भी नहीं लिखा तुम्हारे मन में जो बना देना, लेकिन अंधेरे के साथ कम समय लिखा है और प्रकाश के साथ अधिक समय लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग वन एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरोक्साइड बनाओगे। तो कहने का मतलब आपको क्या लिखा है इसके अंदर, सेकंड रिएक्शन में बोल रहा हूँ ओ टू के साथ ओ थ्री के साथ, पहली रिएक्शन तो ये कम समय के लिए अंधेरे में, अब आपको क्या करना है ओ टू के साथ रिएक्शन है, और ओ टू के साथ रिएक्शन से यहाँ तो लिख दिया मैंने प्रकाश, क्या लिख दिया प्रकाश, और यहाँ पर लिखोगे लंबे समय तक, लंबे समय तक ये भी लिखा मिलेगा आपको, लंबे समय तक बहुत दिन तक रह लिया, कहने का मतलब ऑक्सीजन को उसमें डाल दिया, जब डाल दिया तो आपको ओ टू के साथ क्रिया करा रहे हो, इसको छेड़ना ही नहीं है, छेड़ना नहीं है तो आप क्या करना है, यहाँ से ये जो एक एच है ना उसके साथ दो ऑक्सीजन को फिट कर दो, हो गए ऑक्सीजन फिट, और फिट होने की बात कर रहे हो तो यहाँ पर ये है बेटा वन एथोक्सी एथिल डाई एथिल ईथर बोल दो इसको, वन एथोक्सी हाइड्रोपरोक्साइड, वन एक्स एथिल एथिल हाइड्रो हाइड्रो परोक्साइड, और इसकी जो प्रकृति होती है ना बेटा वो विस्फोटक होती है, ध्यान रखना कि लैब में यदि आप ईथर का के साथ काम करो, और लैब में आपको टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया ईथर ले लिया, और तुम कहोगे सर मैं इसको गर्म करूँगा, मत करना गर्म, क्यों, ईथर अपने लैब के अंदर जो ऑक्सीजन है, ईथर का आपने बोतल का ढक्कन खोल दिया, ढक्कन खोलने के बाद ऑक्सीजन अंदर गई, और ऑक्सीजन अंदर गई तो एक साल में एक बार लैब खुलेगा यार, लंबे समय तक ऑक्सीजन पड़ी रही ना उसमें, और लंबे समय तक वन एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरोक्साइड बनता है जिसकी प्रकृति विस्फोटक होती है, जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में ईथर लिया और ईथर को लेने के बाद यदि गर्म करोगे तो तुरंत आग लगेगी और एक विस्फोटक प्रकृति होगी, आपकी टेस्ट ट्यूब फूटेगी और आपका हाथ पैर जड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ईथर अति ज्वलनशील पदार्थ है पेट्रोल की तुलना में, पेट्रोल से भी ज़्यादा तुरंत आग लगती है इसके अंदर, तो आपको गुण के अंदर मेरा तो यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, हेलोजनीकरण में अंधेरा और प्रकाश Br2Cl2 के साथ कराओगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे ऑक्सीकरण है कुछ समय के लिए, और अंधेरा लिखा हुआ है तो आप लोग क्या बनाओगे परोक्साइड बनाना जो मैंने बना, और यदि लंबे समय तक है तो डाई एथिल ईथर परोक्साइड, कहने का मतलब वन एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरोक्साइड बनाओगे जिसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा विस्फोटक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन के बाद आप लोग अम्लों के साथ अभिक्रिया, जिसमें आप लोग H2SO4 के साथ HCl के साथ और आप लोग यहाँ पर BF3 अर्थात बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया पड़ोगा।